गुड मॉर्निंग डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप सबको पता है ना कि आपके रिवीजन डेज चल रहे हैं, तो आज हम रिवाइज करेंगे पिक्चर नेम इंग्लिश के। आपको जब मैम ने इंग्लिश ओरल लिया था तो बहुत सारे बच्चों को पिक्चर्स के नेम नहीं पता थे, तो आज हम सारे पिक्चर्स नेम अच्छे से रिवाइज करेंगे। आपने उसको लर्न करना है, उसकी पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है और आपने अच्छे से उसका नाम लिखना सीखना है, पिक्चर नेम लिखना सीखना है। और उसके अलावा हम वॉवल वर्ड्स करेंगे और राइमिंग वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके रिटन वाले स्टार्ट हैं असेसमेंट। पहले इंग्लिश की असेसमेंट होगी फर्स्ट क्लास में, उसके बाद जब सेकंड क्लास आपकी लगेगी उसमें हिंदी की असेसमेंट होगी, और थर्ड वाली क्लास में आपकी मैथ्स की असेसमेंट होगी रिटन। तो आपने ये वीडियो को ध्यान से सुनना है, आपने अपने अच्छे से राइमिंग वर्ड्स, पिक्चर नेम, वॉवल वर्ड्स, मैचअप्स वगैरह सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है। किसी दिन भी मैम आपका इंग्लिश का रिटन असेस कर सकते हैं, आपने पूरी तैयारी रखनी है। सैटरडे संडे वाओ ब्यूटीफुल बलून। तो चलो सबसे पहले इस पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। विच पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ बैग। कौन सी साउंड आ रही है इसमें? बिग साउंड, बैग। तो क्या आएगा यहाँ पर? ब ए ग, बैग। अब हमने एक एक करके सभी पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके उनके नेम बताने हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज रैट। रैट, बिग साउंड आ रही है, रैट। व्हाट इज दिस? वेट, पानी निकल रहा है ना, ये गीला कपड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, गीली चीज को? वेट। वेट, इसमें स्मॉल साउंड आ रही है तो वोवल आएगा, वेट। वेट। What is this? This is bat. Bat. Big sound आ रही है तो हम यहाँ लिखेंगे bat. At a bat. What is this? Hen. Hen क्या करती है सुबह उठ के? क्या करती है? कुकड़ुकड़ू। तो hen में कौन सी sound आ रही है? Short sound आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h न hen, short sound. शॉर्ट माउथ, स्मॉल माउथ ओपन हुआ है। वॉट इज दिस? टेन, नंबर टेन, इसमें भी स्मॉल माउथ ओपन हुआ है, स्मॉल साउंड आ रही है, टेन। वॉट इज दिस? पैन, पैन, प एन, पैन, बिग माउथ ओपन हुआ है, बिग साउंड आ रही है। वॉट इज दिस? मैन, मैन में भी बिग साउंड आ रही है, मैन, मैन। वॉट इज दिस? वैन, वैन, वैन में भी बिग साउंड आ रही है, वैन। वॉट इज दिस? मैन। अब ये देखो, ये वन अंकल थे ना तो हमने लिखा मैन, ये टू अंकल हैं तो हम लिखेंगे मैन, स्मॉल साउंड आएगी, मैन। बेड, वॉट इज दिस? बेड, अब फिर से स्मॉल साउंड आई है, शॉर्ट साउंड आई है, बेड। व्हाट इज दिस? कैन, वाओ कैन भी लेके आया है हमारे लिए बलून सेलर, कैन, बिग साउंड आई है, बिग माउथ ओपन। व्हाट इज दिस? हैट, अब इसमें भी बिग साउंड है, देखो बलून सेलर कितना कुछ लेके आया है, हैट। व्हाट इज दिस? पेन, फिर स्मॉल साउंड, पेन। व्हाट इज दिस? मैट, आपने मैम के साथ साथ बोलना है, मैट, बिग माउथ ओपन करके, मैट। व्हाट इज दिस? ओ बलून सेलर तो एक सैड बॉय भी लेके आया है, तो दिस इज सैड बॉय, उदास है ना ये, तो सैड, बिग माउथ ओपन होगा, सैड। व्हाट इज दिस? दिस इज जेट, जेट, स्मॉल साउंड आएगी, जेट। व्हाट इज दिस? दिस इज टैप, टैप, आपको कभी भी वाटर यूज करके टैप को ओपन नहीं छोड़ना। सो लुक हियर, बलून सेलर, कितने सारी पिक्चर्स
लेके आया था ना बेलून में, और आपने उन सभी पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके उनके नेम लिखे। वाओ कितनी अच्छी पिक्चर्स लग रही हैं, एक बार फिर से देखो पिक्चर्स को। तो कितनी मज़ेदार एक्टिविटी थी ना, और कितनी इजी भी थी। तो आप भी अपने मम्मा को बोलना कि आपको फ्लोर पे ऐसे बैलून ड्रॉ करके दें, ताकि देखो कि आपके मम्मा ने जो बैलून सेलर बुलाया है वो कौन कौन सी पिक्चर्स लेके आया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, आप डिफरेंट पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, बट आपने ध्यान रखना है आपने वो पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो आपको टफ लगती हैं, जो आपको नहीं आती, आपके मम्मा वही पिक्चर्स ड्रॉ करें, ताकि आपको उनकी रिकग्निशन हो जाए और उनके वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखा बेटा, बैलून सेलर ने आपको कितने सारे पिक्चर्स दिखाई और इन्जॉय करवाया। तो चलो अब हम पिक्चर नेम करते हैं अपनी नोटबुक पर। बेटा आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन करनी है। सबसे पहले यहाँ ऊपर आपने डेट डालनी है कि आप किस डेट को काम कर रहे हो। उसके बाद आपने ऊपर डे लिखना है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा डे है। उसके बाद आपने हेडिंग लिखनी है पिक्चर नेम ऑफ वॉवल ए एंड ई। तो बेटा आपने ये सारी पिक्चर्स खुद ड्रॉ करनी है, मम्मा से ड्रॉ नहीं करवानी। अगर आप बेटा खुद ड्रॉ नहीं करोगे तो इसका मतलब आप मैम के साथ ऑनेस्टी नहीं कर रहे, और आपको फर्स्ट में भी लिखना नहीं आएगा, ना ही कुछ बनाना आएगा। जैसी भी आती हैं आपने मैम की वीडियो में से या फोटो देख के खुद ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे ड्रॉ करना नहीं आता, आपने खुद अपने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करनी है ड्रॉ करने की, जैसा भी आपको ड्रॉ करना आता है, और कोशिश करनी है कि बहुत अच्छा अच्छा ड्रॉ करना है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है कौन सी पिक्चर्स बनी है। आपने ए और ए की पिक्चर सारी की हुई है, इसीलिए आपको रिवाइज मैम ने अब एक्टिविटी से भी करवा दी। अब आपने इन पिक्चर के नेम खुद लिखने हैं, आगे तो मैम लिख के देते थे ना, और ध्यान से लिखने हैं कि किसमें ए आना है किसमें ए आना है। पहले पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है, उसका नाम बोलना है, फिर बोल के एक मैम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये है जेट, तो अब आपने देखा ये जेट की पिक्चर है, अब बोल के देखो कि स्पेलिंग क्या होते हैं, जेट जेट छोटी आवाज आती है, तो आपने लिखा जेट। राइटिंग के भी नंबर मिलने हैं आपके, जेट छोटी आवाज आई थी तो ए वॉवल आएगा। ये मैम ने एक एग्जांपल दिया है, बट ये आपका टेस्ट है तो आपने खुद करने हैं। अब जेट छोटी आवाज थी तो हमने ए लगाया, अगर आप यहाँ पे जय लिख दोगे जेट तो ये तो गलत हो जाएगा, पढ़ के देखो जेट, ये तो बड़ी आवाज आ रही है, ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे तो आना था जेट। तो फिर आपने सोच के ध्यान से ए और ई लगाना है कि आप गलत तो नहीं लिख रहे, आपने ये वाला यहाँ पर करना है और आपने ये वाली पिक्चर्स भी, यानी 26 पिक्चर्स करनी है। बेटा आपने बिना देखे बिना मम्मा से पूछे करना है, अगर आप पूछ के करोगे चीटिंग करके तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, मैम का कुछ नहीं जाएगा, और अगर मम्मा बताएंगे तो इट मीन्स वो भी ऑनेस्ट नहीं है। बेटा आप बेशक ये पिक्चर नेम करने से पहले एक बार अपनी बुक ओपन करके अच्छे से इनको पढ़ लेना, ए वॉवल की भी और ई वॉवल की भी, फिर खुद अपने दिमाग से सोच के इसको करना है, और फिर मम्मा को बोलना है कि इनको। बेटा आज हम सारी पिक्चर्स वॉवल ए और ए की रिवाइज करेंगे। मैम ने जो आपकी ओरल असेसमेंट ली है उसमें मैम को पता चला है कि आपको अच्छे से रीडिंग करनी नहीं आती, ना ही आपको पिक्चर नेम अच्छे से आते हैं। ध्यान से पिक्चर्स को देखना है, कौन सी पिक्चर है ये, बैग, और आपकी मम्मा ने नहीं, आपने वीडियो देखनी है मैम के साथ अच्छे से, बैग ब एग बैग, बड़ा मुंह खुलेगा, मैट, ये मैट की पिक्चर है, म एट मैट, ये हैट की पिक्चर है, ह एट हैट, जिसमें बड़ी आवाज आती है उसमें ए आता है, ए, ये देखो ए बड़ा होता है ना, ये देखो इसकी टम्मी बड़ी है तो इसमें बड़ी आवाज आती है, रैट, ये रैट की पिक्चर है, र एट अ रैट, और ये है पैन, कई बच्चे इसको स्पून बोल रहे थे, इट मीन्स कि वो अच्छे से मेरी वीडियो नहीं देखते, ना ही उनके मम्मा उनको दिखाते हैं, पैन,
प ए न पेन, बिग माउथ ओपन होना है। टैग ट एग टैग। बैट ब एटा बैट। सारी पिक्चर ने अच्छे से लर्न करने हैं, कोई भी आ सकता है आपको। कैप क एपा कैप। कैट क एटा कैट। उस दिन कई बच्चे पेट की फोटो को कैट बोल रहे थे। वैन व एना वैन। मैन, बेटा आपको पहले भी कई बार बताया, ये देखो अंकल है ना, ये इनकी मूछें हैं, तो जिनकी मूछें होंगी वो अंकल होगा, तो अंकल को क्या बोलते हैं? मैन। और जब मैं आपको मैन की फोटो दिखा रही थी तो आप पता नहीं क्या बोली जा रहे थे। मैन। ये है जैम, ज एम अ जैम। कैन क एन अ कैन। लैड, लैड मतलब लड़का। ये देखो लड़के की मूछें नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे लैड, और अगर मूछों वाले अंकल की फोटो आएगी तो लिखेंगे मैन। फैन फ एन अ फैन। सैड, जो सैड होगा उसको लिखे, उदास होगा उसको लिखेंगे सैड। अब मम्मा को बोलना ये सारी पिक्चर्स अच्छे से लर्न करवाओ, यहाँ से आप पहले लर्न करना इनके नाम, फिर आपके मम्मा आपको पिक्चर्स ड्रॉ करके दें और आप उसके नाम लिखना बिना देखे, और मम्मा को बोलना आपको नंबर दें, तभी बेटा पता चलेगा। मैंने एक दिन फिर से ये सारी पिक्चर्स सुननी है, अब तो मैंने दो दो सुनी थी ना, अब मैं 5 5 6 6 पिक्चर सुनूंगी, और जिसको नहीं आएंगी फिर मैं उसके मार्क्स नहीं लगाऊंगी। अब एक बार ए वॉवल भी करते हैं। देखो वो ए की टम्मी बड़ी थी है ना, तो इसमें बड़ी आवाज आती है ए, और ए की टम्मी छोटी है इसमें छोटी आवाज आती है। ये देखो इसकी टम्मी छोटी है ना, इसका ये गोल वाला छोटा है, तो इसमें छोटी आवाज आती है, इसमें बड़ी आवाज आती है। अब इसमें हम छोटी आवाज निकालेंगे। अब ये क्या है, देखो ये मैं कई बच्चों को दिखा रही थी, इनको पता ही नहीं चल रहा था, इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो। व एबा वेब। वेब मीन्स जाला, बार बार इसको रीड करना है। व एबा वेब। ये क्या है, बेड ब एड अ बेड। पेन प एन अ पेन। रेड र एड अ रेड। ज एट अ जेट। ह न एट अ नेट। ह एन अ हेन। इसके अलावा ये क्या होता है, पेग, इसको बोलते हैं पेग। प ए, इसमें आप कई बच्चे ऐसे पढ़ रहे थे पैग, पैग थोड़ा बोलना इसको, इसकी तो छोटी आवाज आएगी। पैग, ये पैग है यानी किल्ली जिस पे हम टांगते। अब देखो ये मैम फोटो दिखा रहे थे तो आप बोल रहे थे लायन, ये लायन थोड़ा, ये डेन है जिसमें लायन रहता है, यानी उसका घर गुफा, जो उसकी गुफा होती है उसको बोलते हैं डेन, ड एन अ डेन। और ये क्या है, लेग, कई बच्चे बोल रहे थे लैग, लैग में तो ए आता है, बड़ी आवाज आ रही है ए, इसमें तो ए आएगा, लेग। ध्यान से बेटा आप ये चीजें ध्यान रखो, नहीं तो आपको ये आएगा नहीं कभी भी करना। प एन अ पेन। और ये क्या है, गीला कपड़ा, इसको क्या बोलते हैं, वेट, व एट अ वेट, गीला कपड़ा। ये क्या है, पेट, पेट ऐसा होता है जिसकी मूछें होती हैं वो होगी कैट, ये पेट है। अब ये देखो यहाँ पे टू अंकल थ्री अंकल है, तो जब ज्यादा अंकल होते हैं तो मैन होता है ऐसे, म एन अ मैन। सारे पिक्चर्स ने अच्छे से मम्मा के साथ किया करो। अब ये देखो वेब आपने किया था, अभी जेट भी किया था। अब ये है बैग, ब एग अ बैग। ये है टेन, ट एन अ टेन। और ये है हेन, ह एन अ हेन। तो ए वॉवल में बिग माउथ ओपन होता है, किसमें बिग माउथ होता है, जब हम लिखते हैं ए, इसमें बड़ा मुंह खुलता है, बड़ी आवाज आती है, बैग टैग, इसमें छोटी आवाज आती है, बेन टेन पेन। इस बात का ध्यान रखो बेटा, नहीं तो आपको आगे जाके बहुत मुश्किल आएगी रीडिंग में। तो आप ये सारी पिक्चर्स एक बार मैम आपके साथ बोलते हैं, दोबारा बोलो। ज एट अ जेट। फ एन अ फैन। व एब अ वेब। र एड अ रेड। प एन अ पैन। ट एग अ टैग। न एट व एट अ वेट। प एट अ पेट। ह एन अ हेन। प एग अ पेग। ड एन अ डेन। स एड अ सैड। म एन अ मैन, टू अंकल हैं तो मैन आएगा। म एट अ मैट। व एग अ बैग। ट एप अ टैप। ल एग अ लेग।
बेटा सभी पिक्चर्स की दोबारा से पहचान बहुत अच्छे से करो। व एटा बैट, न एटा नेट, ह एटा हैट, व एना वैन, क एपा कैप, व एड बेड, क एना कैन, जिसमें छोटी आवाज आएगी उसमें ई आएगा, ज एमा जैम, व एगा बैग, क एना कैन, म एना मैन, एक अंकल है। अब ये लड़का है, इसकी मूछें नहीं है ना, लैड, ल एडा लैड, र एटा रैट, क एटा कैट, प एना पेन, ड एना डेन, ये डेन है, ट एना टेन। तो बेटा अब हम रिवाइज करते हैं राइमिंग वर्ड्स। आज मैम आपको ये सारा काम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक सबसे पहले आपकी इंग्लिश की असेसमेंट है, रिटन असेसमेंट। तो जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपने सारे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो राइमिंग वर्ड्स, मैन, आपको पता है ना राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जिसकी साउंड पिछले वाले की एक जैसी होती है, यानी कि लास्ट साउंड सेम होती है। आपने ये लास्ट वाले टू टू देखने होते हैं, बस इसको याद रखना होता है। बुक रीडिंग करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब मैन, तो म चेंज होगा, एन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। कैन, पैन, रैन, फैन, फैट, एट लगेगा सबके पीछे। कैट, मैट, रैट, सैट, पैट, पेन, अब छोटी आवाज है, एन लगेगा सबसे सबके पीछे, पीछे वाली साउंड सेम होगी। टेन, मैन, हैन, डेन, बेड, एड लगेगा सबके पीछे। रेड, फेड, वेड, कैप, ऐप लगेगा सबके पीछे। टैप, मैप, कैप, लैप, मैड, सबके पीछे एड लगेगा, एड, लैड, सैड, पेट, सबके पीछे एट लगेगा। जेट, मेट, सेट, लेट, बैग, सबके पीछे एग लगेगा, बैग का टैग, रैग। आपने बेटा ये दो तीन दिन बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आपको ये वाले वॉवल्स क्लियर हो जाएं। अब आपने यहाँ लिखने हैं वॉवल वर्ड्स, ठीक है, कौन कौन से वॉवल वर्ड्स, ए बड़ा मुंह खोलना है और ए छोटा मुंह खोलना है। तो ए वाले कौन से होते हैं, बैट, कैट, मैट, पैन, रैन, वैन, फैट, फैन, सो मैनी वर्ड्स, ए जिसमें ए आता है, बड़ा आता है, बड़ा मुंह खुलता है, वो आपने 6-6 वर्ड्स लिखने हैं। और ये क्या है, ए, इसमें भी आपने 6-6 वर्ड्स लिखने हैं। बोलो जरा ए वाले वर्ड्स, पेन, टेन, मैन, रेड, पेट, जेट, बेड, कितने सारे वर्ड्स है ना, देखो मैम को कितने आते हैं। तो आपने आज ये तीनों काम करने हैं, पिक्चर नेम, वॉवल वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। इसके अलावा आपके पास सैटरडे संडे भी होता है, तो आपने उसमें मैचअप, सर्कल द करेक्ट वर्ड, ठीक है, सारे जितने टॉपिक्स हैं, ऑड वन आउट, डिक्टेशन, वो सारा काम करना है, ठीक है बेटा। आपको कुछ भी आ सकता है आपकी असेसमेंट।